ओके मिटा, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं क्या? यस सर। आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस। ओके नाउ क्वेश्चन मुझे बताओ, हुसैन दागिना फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी एट मिड पॉइंट। टोटल एनर्जी एट मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट थ्री जी आर। ओके जी टू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी एट मिड पॉइंट? अंडर रूट थ्री जी आर। ओके रोशनी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी एट मिड पॉइंट? 2.5 mgr। अरे क्या तुम लोग कर रहे हो यार, दैट्स द बेस्ट आंसर। टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज 2.5 mgr। मैं टोटल एनर्जी पूछता हूँ और आप लोग वेलोसिटी का आंसर दे रहे हैं। अब जरा कान से सुनो तो सही। रोशनी गुड आंसर, तुमने क्लास को रोशन कर दिया, वेरी नाइस। ओके अब मैं पूछ रहा हूं, प्रिशा शेट्टी। प्रिशा शेट्टी, यस सर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी एट बॉटम? 2.5 mgr। प्रिशा शेट्टी सर 2.5 mgr। दैट्स राइट। ओके अभी हम लोग देखते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस। इन सर्कुलर मोशन पहले तो एक बात बता देता हूं, वेलोसिटी वी डिनोट बाय ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कोर्स। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट we denote by theta. Angular acceleration we denote by alpha. समय तो समय ही रहता है, समय can't change. जैसे यहाँ पे है ना v था, तो उसके बदले u और v, इधर इधर omega one omega two ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे s था तो वहां पे theta, यहाँ पे क्या था तो यहाँ पे ये है। Anybody? यहाँ पे क्या लिखते थे linear में, इधर u v तो ओमेगा वन ओमेगा टू, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखूं? एक्सेलरेशन, दैट इज राइट, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अगर आपको याद है फॉर्मूला v = u + at, तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे ओमेगा टू equal to omega 1 plus what into t, you have fill in the blank, s equal to ut plus half et square. So what will I write here? Ye main formula apna angular motion ka, yahan pe v square equal to u square plus 2kf. So yahan pe kya hoga? Aur chautha s equal to, ye kaun batayega mujhe, who will tell me? And I know. Huh? Yeah.